यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों देखो, अभी अभी हम लोगों ने हमारा फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन का मैथ्स का पेपर जो आप लोगों ने कल ही आप लोगों का हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा, होप्स हो कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज हम उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कि पेपर कैसा रहा, ये रिव्यू भी करेंगे और क्वेश्चंस के आंसर वगैरह सब वेरीफाई करेंगे कि किस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना था और कौन सा आंसर जो है वो क्वेश्चन का राइट है। तो बिना टाइम खराब किए हुए बच्चों, में आप लोगों का सीधे हम लोग लेकर चल रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये फाउंडेशन का जो December 23 का आप लोगों का सीएमए फाउंडेशन का पेपर है, तो बच्चों हम वन बाय वन करके इसके सारे आंसर्स आप लोगों से वेरीफाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे और मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, किस तरीके से आपने सॉल्व किया होगा, ट्रिकी कैसे हो सकता था, कैसे आप इसका टाइम सेव कर सकते थे, सारी बातें हम वन बाय वन करेंगे। आप लोग यहाँ देखिए बच्चों, पहले मैं बता दूँ टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के पोर्शन से आए हैं। इनमें बच्चों अगर हम बात करें तो 20 क्वेश्चंस आपके मैथ से सेगमेंट से हैं और बेटा 30 क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिक्स से आए हैं। तो पहले मैं आप लोगों के लिए जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से थे उनको सॉल्व कर रहा हूँ। आप बारी बारी से देखिएगा बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो मैं क्लासरूम में आप लोगों को बताता हूँ। और एक बात और बच्चों, मैंने आप लोगों को कही थी कि एटलीस्ट आपके 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो जाते हैं, बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। तो उन सबको भी हम देखते हुए यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, द एज ऑफ टू पर्सन आर इन द रेशियो 4:3, इफ द एज ऑफ द यंगर पर्सन इज 8 ईयर्स लेस देन द अदर, देन द एज ऑफ द एल्डर पर्सन इज। तो बच्चों देखो, आप यहाँ जो टिक लग रहे हैं, ये पेपर किसी बच्चे का है जो हमने पीडीएफ फॉर्म में यहाँ लिया है, तो आप टिक को न जाएं, जब मैं आपको आंसर बताऊँ तो वेरीफाई रहेगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया है, मे भी हो सकता है उसका ये टिक सही हो, गलत भी हो सकता है, तो इसको नहीं जाना। आपको जो मैं फाइनल आपका आंसर बताऊँगा उससे आप वेरीफाई कीजिएगा कि आपका आंसर क्या रहेगा। तो बच्चों देखो, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ देखिएगा, आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो दो पर्सन है उनकी एज का रेशियो 4:3 है। बेटा इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड तो है हिट एंड ट्रायल। बेटा हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दोनों की एज का रेशियो बेटा आपको दिया हुआ है 4:3। अब बेटा यहाँ एक देखने वाली बात है और वो क्या है कि दोनों की एज 4:3 में होनी चाहिए, और एक लाइन और बोली है कि दोनों की एज में डिफरेंस जो है वो 8 ईयर्स का है, बोला है ना ऐसा आपको। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम मैच करें तो वो ऑप्शन वाइज मैच हो जाए। मान लो सपोज करो 8 का डिफरेंस है, तो दोनों तरफ अगर 8 का मल्टीप्लाई किया जाए तो ये तो बनता है 24 और ये बन जाता है बेटा आपका 32। अब आपसे पूछा था द एज ऑफ द एल्डर पर्सन, बड़े वाले पर्सन की जो एज है वो क्या होगी, हमें बड़ा पर्सन जिसका रेशियो बड़ा है उसकी एज भी ज़्यादा होगी, 4 बड़ा है, तो 32 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है आपका। ये तो है बेटा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको आपने डायरेक्ट ही देख लिया और डायरेक्ट ही आपने अपना आंसर यहाँ से मैच कर दिया। अगर बच्चों आप इसी क्वेश्चन को पूरे पैटर्न वाइज बना के करना चाहते हैं तो मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन आया रेशियो प्रोपोर्शन वाले सेगमेंट से, तो इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बनाकर रेशियो टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो दो पर्सन है ए और बी, उनकी एज का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3, ठीक है। 4:3 को आप जानते हो बेटा, रेशियो को आप डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हो 4/3। सपोज करो ये x और y है, यहां से अगर बेटा मैं इक्वेशन बनाऊं तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इधर, ये बनेगा 4y = 3x। एक इक्वेशन आप लोग बना चुके हो इस तरीके से। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे बढ़ते हैं जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। बेटा दूसरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो छोटे वाला है, यंगर पर्सन है, वो 8 साल कम है एल्डर की एज से। तो यहां क्या बोलेंगे हम, हमने क्या माना है बेटा, x किसको माना है एज ऑफ एल्डर पर्सन और y किसको माना है एज ऑफ यंगर पर्सन। तो जल्दी से देखना बच्चों, हम एक इक्वेशन बनाते हैं द एज ऑफ यंगर पर्सन, जो यंगर पर्सन है यानी y जो है वो x से 8 साल छोटा है, दूसरी इक्वेशन आपकी ये हो गई। यहाँ से बेटा y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू जैसे ही मैं वहाँ पुट करता हूँ 4, y की जगह लिख दूंगा x - 8 = वहाँ दे रखा है 3x। बेटा इसको सॉल्व करो 4x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन बनेगी 4x - 32 = 3x। बेटा इसको सॉल्व करते हो, इसको इधर ट्रांसफर करके
फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू 32। बेटा यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 32, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मैं चाहूँगा कि बच्चों आप कौन से मेथड को फॉलो करो, हिट एंड ट्रायल को। ये था आपका पहला। देखो नेक्स्ट बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो दूसरा क्वेश्चन, बेटा ये क्वेश्चन है डिस्टेंस और टाइम से। आप इस क्वेश्चन को दो कंसेप्ट वाइज सॉल्व कर सकते हो, पहला कंसेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस से, और दूसरा कंसेप्ट बेटा प्रोपोर्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट टाइम एंड डिस्टेंस वाला जो एक कंसेप्ट होता है वहां से फॉलो कर रहा हूँ। उसका फॉर्मूला होता है बेटा, देखो यहाँ पर एम वन टी वन अपॉन डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू टी टू डब्ल्यू टू। एम वन का मतलब है मैन कितने हैं, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, और वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। एक कंडीशन ये रही और दूसरी कंडीशन ये रही। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। पहली कंडीशन में कितने आदमी है बेटा, 15 मैन है। कितने वर्किंग आवर्स है बेटा, 8 वर्किंग आवर्स है। और कितने दिन काम हो रहा है बेटा, 25 डेज काम हो रहा है। बेटा सारी चीज़ों को यहाँ पुट कर दो, 15 इंटू 8 डिवाइड बाई 25, और दूसरी तरफ रखोगे बेटा 12 इंटू 10 डिवाइड में, आपको यही निकालना है कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, W2 आपको निकालना है। बेटा एक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करो। यहाँ से W2 सॉल्व करने पर आपका टाइम जो आएगा, नंबर ऑफ डेज, वो कितना आ जाएगा, 25। इट मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन। बेटा समझ में आ रहा है, देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, देखो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल। बेटा पढ़ाते वक्त बताया था मीन प्रोपोर्शनल का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, रूट ए बी। रूट ए बी बेटा, रूट ए बी से सॉल्व करो। पहला कंडीशन, पहली डिजिट 0.20, दूसरी डिजिट आपको दे रखी है 0.05। बेटा सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखोगे तो मैं बता देता हूँ एक बार कैलकुलेटर में करके। देखो बेटा इसको सॉल्व करना है, पहले हमें 0.20 मल्टीप्लाई करना है 0.05। बेटा सॉल्व करने पर आपका आ रहा है रूट के अंदर 0.01, और बेटा जब इसका अंडर रूट आप लेते हो तो आप देखोगे 0.1, यानी ए ऑप्शन मैच कर रहा है। बच्चा बहुत ही आसान पेपर था, आई थिंक सो। आगे जाके फिर भी अपन लेवल के बारे में बात कर लेंगे, बट यहाँ तक देखकर लग रहा है कि आपको डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी है, इजीली सॉल्व हो रहे हैं। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर अप्रोच कर रहा हूँ, जो कि आपके इंटरेस्ट वाले चैप्टर से आया था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चों आप लोगों को पढ़ाते वक्त मैंने बताया था, या आप सब लोग देखे होंगे, यहाँ पे दो फॉर्मूले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में यूज़ करते हैं। पहला फॉर्मूला जो डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग यूज़ करते हैं, PNI, प्रिंसिपल टाइम पीरियड रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बेटा एक और बताया था मैंने फॉर्मूला, याद करो, अगर कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट अमाउंट निकालना हो उस सिचुएशन में आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे, पी ब्रैकेट से बाहर 1 + NI। बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है बेटा, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, 1 बेटा टाइम पीरियड कितना दे रखा है आपको, टाइम दे रखा है 10 ईयर्स, एन को लिखा 10, और बेटा आर 4% है, आई कितना हो जाएगा 0.04। बेटा सिखाया मैंने, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो आपका आंसर आएगा 1400। करके चेक कर लो बेटा, अमाउंट आपका मैच करेगा 1400, यानी बी ऑप्शन। बच्चों समझ में आ रहा है यहां तक, देखो जल्दी से। बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। 5th क्वेश्चन में बोला गया है ए सम ऑफ रुपीज 10,000 डिपॉजिटेड CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकम डबल आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स इट विल बिकम, कितना हो जाएगा ये पूछा है। बच्चों बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, और अगर आप लोगों ने क्लास से अच्छे से देखी है, पढ़ी है, तो याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था। देखने में ये क्वेश्चन आपको बीच में जाके एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी, आप सोचेंगे कैसे सॉल्व करें, बट बच्चों मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। देखिएगा पहली जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। पहले तो मैं फॉर्मूला बता दूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है a इज इक्वल टू पी 1 + i^n। बच्चों याद है ये फॉर्मूला। अब बच्चों क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, डबल हो रहा है, डबल का मतलब है 10,000 का डबल हो जाएगा 20,000, और प्रिंसिपल कितना है बेटा 10,000, 1 + i मेरे पास है नहीं, और टाइम मेरे को बोला है 5 ईयर्स, तो n की जगह मैंने लिख दिया 5। बेटा इसको इससे सिंप्लीफाई करो तो यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 1 + i,
की होल पावर 5। बच्चों क्वेश्चन कराते वक्त एक चीज मैंने आप लोगों को हमेशा बताई थी कि जब कभी हमें आई की रिक्वायरमेंट होती है या आई को यूज करना होता है उस सिचुएशन में आई को कभी सॉल्व नहीं करते। बेटा आपको क्या करना है, इस 5 को उधर ट्रांसफर कर देना है, और जैसे ही आप 5 को ट्रांसफर करोगे आपके पास आ जाएगा, पावर फ्लिप हो जाएगी और आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, यानी 1+i की पावर, 1+i जो है वो इक्वल हो चुका है 2^1/5 के। मैंने इसको यहीं छोड़ना है, क्यों? क्योंकि ये आगे जाके एज इट इज़ मेरे को काम आने वाला है, और आप लोगों को याद होगा ऐसा ही पढ़ाते वक्त मैंने आप लोगों को बताया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या बोल रही है, 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। फिर से अमाउंट बताना है बेटा, अमाउंट की जगह अमाउंट रख दो, प्रिंसिपल आपको 10,000 है, आपके पास आई है नहीं और एन आपको अब बोला है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स में कितना हो जाएगा। बेटा 1+i की वैल्यू वहाँ से उठा के लिख दो, 10,000 2^1/5 होल पावर 20। बेटा पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, देखो ये हो जाएगा 10,000 2^4। 1/5 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 20 सिंप्लीफाई होकर 4 बचेगा। बेटा 2^4 कितना होता है, 16। 16 को आप जब 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1,60,000 रुपीज। है कोई ऐसा ऑप्शन, यानी डी इज द राइट ऑप्शन। बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल है, ट्रिकी है थोड़ा सा, और उस ट्रिक को आप किस तरीके से निभाएंगे ये आप लोगों को क्लासरूम में सब कुछ सिखाया गया है। देखो आगे, इसके बाद 6 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन बेटा, सोचा नहीं था APGP से इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देख रहे हो आप लोग। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पहले तो ये देखो, एक क्वेश्चन में बोला गया है ये एक AP है। क्या है बच्चों, AP, और इस AP में आप देखिए गौर कीजिए 2, 5, 8, 11 --, कैसे पता चल रहा है ये AP है? हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि सब में डिफरेंस इक्वल है, और वो डिफरेंस कितने का है बेटा जी, 3 का, सब में 3 का डिफरेंस है, तो हमने D आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज 3। बेटा अगर 3 का डिफरेंस है, अब मेरे से 7th टर्म पूछा है, यानी A7। बेटा याद करो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वैसे तो फॉर्मूला होता है A+N-1 × D, यहाँ पर हम डायरेक्ट A+6D बोल दूँ, क्योंकि 7-1 करोगे तो 6D आएगा। बेटा A कितना है, फर्स्ट टर्म 2+6, D कितना है बेटा 3, 2+6, 3 = 18, सॉल्व करने पर कितना आया 20। है कोई ऑप्शन, C, बेटा C इज द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है बच्चों, देखो आगे, सेम ऐसा के ऐसा क्वेश्चन नंबर 7 थे बेटा, ज़्यादा कुछ ही नहीं है, बस ये देखो GP का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बेटा, बेस्ड ऑन GP, GP का क्वेश्चन है। कैसे पता चल रहा है मुझे, डिफरेंस तो इक्वल नहीं है, फिर कैसे पता चला? बेटा रेशियो इक्वल है, इसको इससे डिवाइड करो 1/2, इसको इससे डिवाइड करो 1/2। बेटा आपका A तो है 128 और बेटा R रेशियो आपका है 1/2। बेटा आपको 8th टर्म पूछा है, An का फॉर्मूला A × r^n-1, बेटा लगा दो फॉर्मूला, 128 × 1/2 की पावर 8 - 1 करोगे 7। बेटा 1 की पावर 7 2 की पावर 7, अच्छी बात ये है 128 × 1/128 ये कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आपका बचेगा 1। कौन सा ऑप्शन है बेटा, डी इज़ द राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, चलो बच्चों और आगे बढ़ो। 8th क्वेश्चन, कौन से कंसेप्ट से है बेटा 8th, याद करो मैंने आपको बताया, पढ़ाया भी है ये बेटा, स्पीड वाला, टाइम डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है उससे ही आपका क्वेश्चन आया हुआ है। देखो A के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, A 4 घंटे में 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ A, स्पीड निकाल लो, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 80, टाइम कितना 4, 20 किलोमीटर पर आवर, आपको A की स्पीड पता चल गई। सेम स्पीड ऑफ B, स्पीड ऑफ B कितना दे रखा है बेटा 5 आवर्स, और कितना डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस 80 / 5, बेटा इसको सॉल्व करो, 5 × 5 ये आएगा 16 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड पता चल गई। अब आपसे पूछा है अगर 15 आवर वो लोग कंटिन्यूसली ट्रेवल करते हैं तो A जो है वो कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपके पास स्पीड है, क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बेटा स्पीड कितना है 20, टाइम कितना दे रखा है 15, यहां पे आएगा बेटा 1300 किलोमीटर, और बेटा यहां पर भी निकालोगे 16 × 15 तो बेटा जी आएगा 240 किलोमीटर।
बेटा दोनों में डिफरेंस कितने का है? आपसे डिफरेंस पूछा है कि ए कितना ज्यादा कवर करेगा, तो बेटा ए ने कवर किया है 60 किलोमीटर मोर कंपेयर टू द बी, तो आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 60 किलोमीटर। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये आपका 8th क्वेश्चन था बच्चों। 9th तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और 9th आपको जो मैंने एक्स्ट्रा शीट्स करवाई हैं बच्चों, जो शीट से हम पढ़ते हैं वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यही मैंने आप लोगों को भेज रखा है, शायद 9th 10th क्वेश्चन है, आप देखेंगे तो पता चलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है। क्या क्वेश्चन है बेटा मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन के बारे में। पी डेल्टा क्यू, बेटा ये जो डेल्टा का साइन है दैट इज इक्वल टू पी माइनस क्यू यूनियन क्यू माइनस पी, तो बेटा डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन और आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, ये भी आपका सेट थ्योरी से आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और आप आराम से इस क्वेश्चन को निभा सकते हैं। देखो कैसे, आपको ए सेट की इंफॉर्मेशन है, बी की इंफॉर्मेशन है, और सी के बारे में भी दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बेटा पहले इंटरसेक्शन निकाल लो, बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, बी और सी में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, आप देखोगे 2 और 5, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब ए के साथ इसका यूनियन कर दो, यूनियन का मतलब होता है बेटा मर्ज कर देना, इकट्ठा करना, तो देखो सबको साथ में ले लो, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बेटा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है ए, ए इज द राइट ऑप्शन। सेट ऑपरेशन जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, समझाए हैं, सेट थ्योरी से आया हुआ सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अप्रोच करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को, इंडिसेस से आया हुआ क्वेश्चन और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। देखो ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा बेटा, जब पढ़ाता हूं, जब बोलता हूं कि फॉर्मूला सिर्फ लेफ्ट टू राइट अप्रोच नहीं करता, बोथ वे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन में आपको फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए बेटा। उसी तरीके से देखो, ये जो पावर में लिखा हुआ है 3 इज पावर 2x + 4 इज इक्वल टू 3 इज पावर 3x, बेटा अगर टू वे कम्युनिकेशन की बात करूं, पावर जो प्लस में है क्या मल्टीप्लाई हो सकती है, 3 इज पावर 2x इंटू 3 इज पावर 4 इज इक्वल टू 3 इज पावर 3x, बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे शिफ्ट कर दो, 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 इज पावर 3x अपॉन 3 इज पावर 2x, बेटा ये दोनों डिवाइड में लिखे हुए हैं, सेम बेस है, पावर माइनस हो जाएगी, 3x में से 2x जाएगा बच्चा, कितना बचेगा, 3 इज पावर 4 इज इक्वल टू 3 इज पावर x, पावर से बेस से बेस इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगी, x बिकम 4, यही आपका आंसर था, x की वैल्यू आपसे पूछी थी, देन यू से योर आंसर बिकम डी, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर 11th क्वेश्चन। बच्चों आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देख रहे हो बेटा, दोनों क्वेश्चन लॉग से आए हुए हैं और आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्रिकी है बेटा। देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, आपको लॉग 10 बेस पे 7 की वैल्यू दे रखी है ए, और आपसे ये पूछा है बेटा कैसे सॉल्व करोगे, जो डिवाइड में होते हैं वो माइनस में हो जाते हैं बेटा, ये तो कितना हो जाएगा 0, ये इंटू में है, 7 × 10 बोल सकते हो, इंटू में जो होते हैं वो प्लस में हो जाते हैं, बेटा इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में ए है, और ये जब सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी, देखो सी ऑप्शन बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर 1+a बोलो या a+1 बोलो, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। चलो 12th का आंसर गया बेटा सी, आ जाओ 13 में, 13 क्वेश्चन भी आसान है, फिर से बोलूंगा हिट एंड ट्रायल से कर सकने वाला क्वेश्चन है, हिट एंड ट्रायल से, हिट एंड ट्रायल कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कौन सा ऑप्शन है जिसको मैं यहां रखूं, और ये बेटा एक बच्चा बोलता है कि सर सारे ऑप्शन रखने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कुछ ट्रिक होता है जिसको देखकर हमें ये पता चलता है कि हम कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करें। ए ऑप्शन यहाँ रखकर देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ 512 रखता हूँ तो बेटा 512 का 2 से क्या कनेक्शन है, 2 इज पावर 9, तो 2 इज पावर 9 में बेटा 9 यहाँ आ गया आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए कैंसिल कर दूंगा, 9 को आप क्या बोल सकते हो, 3 स्क्वायर, देखो यहाँ पे 9 आया, 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर, 2 आगे गया, 2 से 2 1 हो गया, और मुझे राइट हैंड साइड में 1 ही चाहिए था, यानी ऑप्शन क्या हुआ ए, यानी 13 का आंसर क्या हुआ बेटा 512 ए ऑप्शन। चलो और आगे बढ़ो बेटा, फोर्टीन क्वेश्चन बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आया हुआ क्वेश्चन, फिर से ट्रिकी और हिट एंड ट्रायल, जो मैंने ट्रिक्स बता रखी हैं आप लोगों को, आर की वैल्यू बतानी है, 10 PR = 720 आपको दे रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, मैं क्या रखूं कि मेरा
ऑप्शन मैच कर जाए बेटा, हिट एंड ट्रायल से ही इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। आप ए ऑप्शन को यहाँ रख कर देखो, टेन पी थ्री, याद करो इसको भी सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी, टेन के थ्री फैक्टर्स, टेन नाइन एट, बेटा क्या इनको मल्टीप्लाई करने पर 720 मैच कर रहा है? अगर कर रहा है तो ए आपका सही आंसर है। चलो बेटा नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, अगर क्लास थोड़ी सी भी ध्यान से देखते हो पढ़ते हो तो डायरेक्ट इस कंसेप्ट को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, जयपुर वाला क्वेश्चन याद कीजिए बच्चों, जयपुर वाला क्वेश्चन, उसमें एक कंसेप्ट ये भी था, व्हेन टू पर्टिकुलर थिंग्स नेवर कम्स टुगेदर, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला, एन माइनस टू फैक्टोरियल एन माइनस वन, याद है बच्चों? डायरेक्ट ट्रिक से एन नंबर ऑफ थिंग्स कितना बोला है बेटा, यहाँ रेनबो की बात की है, कितने कलर्स होते हैं, सेवन, सेवन माइनस टू फैक्टोरियल सेवन माइनस वन, तो आप बेटा जब सॉल्व करोगे फाइव इंटू सिक्स फैक्टोरियल फाइव इंटू 720 बेटा सॉल्व करने पर 3600, दैट इज द आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर बच्चों कंसेप्ट आता है तो क्वेश्चन एकदम आसान है। 15 का आंसर आया डी बेटा। 16 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, आपके पास कितने क्वेश्चन है, टोटल 7, जिनमें से दो डिफिकल्ट हैं, आउट ऑफ विच टू आर डिफिकल्ट। तो बेटा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको बुलाया टू है, तो नॉन डिफिकल्ट कितने हो गए बेटा, 5, क्योंकि टोटल क्वेश्चन कितने दिए थे, 7। आपको बेटा चार क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं जिनमें से दो डिफिकल्ट आपको इंक्लूड करनी है, ये तो दोनों लेने हैं और टोटल चार देने हैं, यानी इनमें से भी दो लेने हैं, क्योंकि इसी तरीके से बुलाया, तो ये चूज करने वाला कंसेप्ट है। आ जाओ बच्चों, तरीका क्या हो जाएगा, 2C2.5C2, 2C2 बेटा कितना होगा 1, और 5C2 5 into 4 2 into 1, बेटा टोटल आंसर कितना आ रहा है, 10, 10 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बच्चों देखो कर सकते हैं हम, आसान है। चलो नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 17, बेटा 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हिट एंड ट्रायल से होने वाला क्वेश्चन बेटा, इजीली हिट एंड ट्रायल बेटा बोला है मैंने, हिट एंड ट्रायल पे फोकस करने के लिए, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको यहाँ रखने पर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, तो बेटा डी ऑप्शन रखने पर इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। फिर भी जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन, दो मेथड बताए थे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने के दो मेथड, एक था फैक्टराइजेशन, दूसरा था श्रीधर आचार्य मेथड, बेटा इसके दो फैक्टर करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x माइनस 3, यहाँ से x माइनस 2, इनको सॉल्व करने पर एक बार आएगा 2, एक बार आएगा 3, कौन सा ऑप्शन, डी, डी इज द राइट ऑप्शन। बेटा क्वेश्चन नंबर 18, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसेप्ट बताते वक्त, सम ऑफ द टू रूट्स, बेटा देखो यहाँ पर पहले तो a आप फाइंड आउट करो, a आपके लिए है a प्लस 1, बी आपके लिए हो जाएगा 2a प्लस 3, और बेटा सी जो होता है ए बी सी आइडेंटिफाई करना मैंने आपको सिखाया है बच्चों, 3a प्लस 7। अब बोला है सम ऑफ द रूट्स, याद करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये आपका बी, ये रहा आपका ए, रख दो, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में माइनस वन, माइनस वन इज इक्वल टू बी की जगह रखोगे बेटा जी 2a प्लस 3, और बेटा सी ए की जगह रखोगे ए प्लस 1, माइनस से माइनस रिमूव हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2a प्लस 3, बेटा इसको इधर ले आओ, तो यहाँ बचेगा a इज इक्वल टू माइनस 2, बेटा a इज इक्वल टू माइनस 2 कोई ऑप्शन है, सी, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जो आया है वो कैलकुलस से आया है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। याद करो बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेथड मैंने एक बताया था आप लोगों को, छोड़ो पकड़ो मेथड, याद आ रहा है, नाम से ही ऐसा इंटरेस्टिंग है कि बच्चा भूले नहीं। तो ये छोड़ो पकड़ो मेथड वाला क्वेश्चन है, x डॉट e की पावर x, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट में गिवन है, पहले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, फिर बेटा दूसरे को छोड़ दो, पहले का डिफरेंशिएशन कर दो 1, दोनों जगह कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है e की पावर x, तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 1 डॉट e की पावर x, कौन सा ऑप्शन, बी, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19। बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान से देखना बेटा, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन वाला जो कैलकुलस मॉड्यूल नंबर 3 का जो टॉपिक था उसी से क्वेश्चन आया है, और बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को इसके, आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है ब्रेक इवन पॉइंट की वैल्यू आपको बतानी है, ब्रेक इवन पॉइंट,
और ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन क्या होती है बेटा, जब कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन दोनों इक्वल होते हैं, उस सिचुएशन को आप बोलते हो ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। बच्चों ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स थी, आपने देखा होगा। ज़्यादा मैं ना हार्ड बोलूँगा कि बहुत हार्ड पेपर आया, ना मैं ये कहूँगा कि बहुत ईजी आया, लेकिन अगर क्लासेस आप लोगों ने अच्छे से देखी है, पढ़ी है, तो डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छे क्वेश्चन बना दिए होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं हमारे स्टैटिक्स वाले पोर्शन की, एक एक करके देखिएगा बच्चों। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 21 को आता हूँ, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और स्टैटिकल डेटा वाले चैप्टर से हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डैश ऑफ अ क्लास इज द फ्रिक्वेंसी ऑब्टेंड बाय एडिंग द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेज प्रीसीडिंग द गिवन क्लास। बेटा बच्चों को पढ़ते ही बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। हाँ दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, बट कौन सी है। तो बेटा ग्रेटर इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था जो लेस देन सीरीज हम बनाना सीखते हैं वो आपकी लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो असेंडिंग ऑर्डर में उठती है, और ये आपका आंसर आएगा लेस देन। तो यहाँ बच्चों कौन सा ऑप्शन राइट है, डी इज द राइट ऑप्शन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाली। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बच्चों पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। पाई चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था द नंबर ऑफ ए साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स इन ए कंपनी आर 30, 70 एंड 50 रेस्पेक्टिवली। इफ दीज फिगर्स आर रिप्रेजेंट बाय अ पाई चार्ट देन वॉट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट। बेटा कैसे निकालते हैं, 30, 70 और 50, इन तीनों का एडिशन करो, जब एडिशन करते हो तो कितना आता है 150। अब कैसे निकालते हैं, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला बेटा क्लासरूम में कराया है, साइंस वालों के साथ बताना है। 30 डिवाइड बाय 150 इंटू टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। बेटा इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक सो इसको सॉल्व करने पर ये 5 times और ये इसको करने पर 72 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा पाई चार्ट वाले फॉर्मूले से। ये था बेटा आपका 22। 23 बेटा 23 क्वेश्चन आप लोगों का आया है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले टॉपिक से, एमसीटी से। आपसे क्या पूछा है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। बेटा बहुत आसान है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बेटा इन सबको ऐड करेंगे, आप लोगों को एक बार ऐड करके बता देता हूँ। आपके पास डेटा क्या क्या है, 2 + 3 + 5 + 4 + 7 + 9। तो बेटा ऐड करने पर कितना आ रहा है 30, और बेटा कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाई 6, तो बेटा आंसर आएगा 5। बेटा 23 का ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है, सी 5। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। मीडियन पूछा है बेटा, फिर से ट्रिकी क्वेश्चन, याद करो हमारी क्लासरूम वाली ट्रिक। बेटा मीडियन निकालने के लिए हम डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखते हो 13, 15, 16, 17, 19 और 20। बच्चों याद है कैंसिलेशन रूल, याद करो आप इनको वन बाय वन कैंसिल करेंगे। देखो कैसे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इन दोनों का अगर दो टर्म, अगर सिंगल टर्म बचती है तो वो आपकी मीडियन वैल्यू होती है, और अगर दो टर्म्स आपके बचते हैं तो बेटा उन दोनों का एवरेज आपका आंसर होगा। बेटा 16 और 17 का एवरेज 16.5, बहुत ही आसान 16.5। कौन सा ऑप्शन है, ए, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। बेटा बहुत आसान पेपर था, देख रहे हो 24 क्वेश्चन हम लोगों ने अब तक देखे जिनमें मुझे नहीं लगा, सिवाय एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन के, मुझे ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं लगा है अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ अप्रोच करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 25 बेटा एक रिलेशनशिप था, अगर आप लोगों को याद है मीन मीडियन और मोड में मैंने एक रिलेशनशिप बताया था, उस रिलेशनशिप को अगर आप लोग याद रखें तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। रिलेशनशिप था एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 times एक्स बार माइनस एम ई, याद है बच्चों। इस फॉर्मूले से बच्चों आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, और आपको क्या क्या दे रखा है बेटा, आपको मीन और मीडियन दोनों दे रखे हैं, ये मीन है ये मीडियन है, और आपको मोड निकालना है, ठीक है। एक्स बार माइनस जेड इज इक्वल टू 3 times बेटा एक्स बार माइनस एम ई, इन दोनों का डिफरेंस देखो, मैं इन दोनों का डिफरेंस कर लेता हूँ कितना आ रहा है बेटा, 32.50 माइनस
26.25 बेटा, ये आ रहा है 6.25 और ये नेगेटिव आएगा, लेकिन बाद में इधर सेटल डाउन हो जाएगा, उससे कोई इश्यू नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 3 से, और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ये आ रहा है मेरा 18.75। इसको इधर, अब इसमें मेरे को क्या ऐड कर देना है बेटा, इसमें मेरे को ऐड कर देना है प्लस 26.25 को, तो मेरा आंसर आ रहा है 45। बच्चों बेसिक बात ये है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो हो रहा है, तो फॉर्मूला आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने बता दिया कि इस वाले फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने पर कैलकुलेशन के बाद आपका आंसर आ रहा है 45। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, फिर से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सेम ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में हमने देखा भी था और सॉल्व भी कराया था आपको क्लासेस में। एक फॉर्मूला होता है बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड, याद कीजिए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी आई अपॉन एन, याद आ रहा है बच्चों, एज्यूम्ड मीन बोला है 4, समेशन डी आई कितना दे रखा है 276, और बेटा ऑब्जर्वेशन कितनी है 24। बेटा 276 में सबसे पहले 24 का डिवाइड करना है, करो बेटा, देखो 276 डिवाइड बाय 24 करने पर बेटा आ रहा है 11.5, और 11.5 में जैसे ही 4 ऐड करोगे बेटा 15.5 बेटा, ये सिंपल फॉर्मूला, सारी वैल्यूज गिवन है, सॉल्व करने पर मेरा आंसर क्या आ रहा है 15.5, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलो बच्चों और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 27, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, देखो बच्चों द एम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज, बेटा एक फॉर्मूला था अगर याद हो तो एक्स बार का समेशन एक्स आई अपॉन एन, याद कीजिए बेटा, यहां से समेशन एक्स आई का फॉर्मूला हो जाता है एन इंटू एक्स बार, बेटा कितना कितना दे रखा है, ये एन तो है 100 और ये है 40, ओवरऑल कितना आ रहा है 4000, बट क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या बोलना चाह रही है, ये गलत है, क्या क्यों गलत है, इट वॉज फाउंड दैट द टू ऑब्जर्वेशन 52 एंड 28 वर रॉन्गली कॉपीड एज 44 एंड 86, उनको रॉन्ग हमने लिख दिया 44 86। तो बच्चों याद करो, हमेशा पढ़ाते वक्त एक बात बोली है, लाइफ में हमें हमेशा गलतियों को निकाल देना चाहिए, सीखना तो चाहिए बट गलतियों को भूल जाओ और सही चीज़ों को अपना लो। तो बेटा सही को ऐड करेंगे और गलती को यहाँ लैप्स करेंगे, तो इस 4000 में से बेटा जो गलत हुआ है 52 और 28 इनको लैप्स करेंगे, और सही क्या 44 और 86 को ऐड करेंगे। बेटा मैं करके बताता हूँ कितना आ रहा है, देखिएगा 4000 माइनस 52 माइनस 28 प्लस 44 प्लस 86, बेटा ये करने पर आपका कुछ गड़बड़ हुआ है, फिर से देखते हैं, 4000 माइनस 52 माइनस 28 प्लस 44 प्लस 86। अच्छा यहाँ ये वैल्यूज गलत हो गई है, ये माइनस होगा, ये दोनों माइनस में होंगे, मैं फिर से बताता हूँ एक बार, ये दोनों प्लस हैं और ये दोनों माइनस हैं, ऐसा करने पर क्या आ रहा है देखिएगा, क्योंकि 52 एंड 28 वर रॉन्गली कॉपीड एज 44 एंड 86, तो मैंने जो गलत है उनको लैप्स किया है और राइट को ऐड किया है, 4000 प्लस 52 प्लस 28 माइनस 44 माइनस 86। अब बेटा हमारा जो इसका टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3950, और अब फिर से वो फर्स्ट वाला फॉर्मूला 3950 डिवाइड बाय 100 39.50, तो बेटा आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, 27 में आपका आंसर आएगा ए। बच्चों समझ में आ रहा है, चलो और आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 28, फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है, मीन डेविएशन ऑफ द नंबर, आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीडियन, बेटा मीडियन से निकालना है, देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज करो, सबसे कम कितना दे रखा है बेटा 32 33 के बाद बेटा 48 के बाद बेटा आपको दे रखा है 68 के बाद क्या है बेटा 70 के बाद क्या है बेटा 80 के बाद क्या है 88 और लास्ट क्या दे रखा है 95। चलो काउंट करते हैं,
दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, बिल्कुल सही है। अगर कैंसिलेशन रूल को बेटा मैं फॉलो करूं यहाँ पर, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो बेटा आपका मीडियन जो आया वो आया 69। इन दोनों के मिड में आपका मीडियन आपने निकाल लिया 69। अब देखो बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग निकालेंगे एक्स आई माइनस एम ई और लेंगे बेटा इसका मॉड्यूलस। इसका मॉड्यूलस लेने के लिए बेटा देखो मैं क्या करता हूँ एक एक करके, और मॉड्यूलस का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। आप सबसे पहले 69 माइनस करो 32, ऐसा करने पर बेटा आ रहा है 37। पहली ऑब्जर्वेशन 37, अगर इसमें से 33 को लैप्स करोगे तो आपका आएगा 36। फिर देखो 69 माइनस करना है आपको 48 को, और जब 48 को लैप्स कर रहे हो तो आपका आ रहा है 21। ये करोगे 1, ये करोगे 1, 80 में से इसको लैप्स करोगे तो आएगा 11, और 88 माइनस 69 करने पर आपका आ रहा है 19। और लास्ट बेटा 95 माइनस करना है आपको 69 को, आपका आ रहा है 26। बेटा इन सबको ऐड कर लेता हूँ, इन सबको ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 26 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 2 प्लस 21 प्लस 36 प्लस 37 इज इक्वल टू 152। और बेटा टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है गिन लो फिर से, दो दो चार दो छः दो आठ डिवाइड बाय 8, और ऐसा करने पर आ रहा है बेटा 19। आपका आंसर कितना आ जाएगा 19। 28 में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। फॉर्मूला कौन सा लगा है फिर से बता देते हैं आप लोगों को। डेल एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एम ई डिवाइड बाई एन। बेटा डिस्पर्शन वाले चैप्टर में ये पूरा एक चार्ट बना के मैंने आप लोगों को ये सब कुछ करवाया था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं बेटा, 28 के बाद हम आगे बढ़े हैं, हमारा है 29। बेटा स्क्यूनेस याद करो, स्क्यूनेस कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस, कॉफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस का बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है 3 इंटू एक्स बार माइनस, बेटा आपको क्या दे रखा है मीडियन, मीडियन, और यहाँ आएगा एस डी। बेटा वैल्यूज रख दो, 3 इंटू एक्स बार कितना है 100 माइनस मीडियन कितना है 98.5, और बेटा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा है 9। बेटा ये देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 0.1.5। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो बेटा, 1.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 डिवाइड बाई 3, और जब ये करोगे तो 0.5। बेटा कितना आंसर आ जाएगा 0.5, डी ऑप्शन, डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। चलो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29, और आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वही डिस्पर्शन वाले चैप्टर से है। आपको स्क्वायर ऑफ डिविशन दे रखा है 10 ऑब्जर्वेशन का, और मीन कितना दे रखा है 50, और वो कितना दे रखा है 250। बेटा पहले कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस का एक फॉर्मूला होता है एस डी अपॉन ए एम इंटू 100। ए एम तो है आपके पास, एस डी नहीं दिख रहा, तो एस डी भी निकाल सकते हो बेटा। एक फॉर्मूला होता है समेशन डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ये दे रखा है आपको 250। ऑब्जर्वेशन कितना दे रखा है 10, बेटा 0 से 0 तो ओवरऑल एस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो बेटा अब इस फॉर्मूले में मैं 5, ए एम कितना है 50 इंटू 100, बेटा कितना आ जाएगा 10, 10% इज द आंसर, ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 31, देखो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है 31 भी। क्वेश्चन में बोला है वेरिएंस दे रखा है 6.25, एक्स के लिए वेरिएंस ऑफ वाई दे रखा है 4, कोवेरिएंस एक्स वाई दे रखा है इतना, और आपसे कोरिलेशन पूछा है। बेटा एक फॉर्मूला डायरेक्ट, सबसे पहला फॉर्मूला कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आर एक्स वाई करके, केपीएमसी में मैंने आप लोगों को बताया था कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन न्यू एक्स डॉट न्यू वाई। बच्चों ट्रिकी है थोड़ा सा, आपको क्वेश्चन में वेरिएंस दे रखा है और फॉर्मूले में न्यू एक्स काम आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या इन दोनों से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जा सकता है? निकाल लो, 0.9 यहां से आ जाएगा 0.5, और बेटा यहां से आएगा 2। बेटा इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, 9/10, 9/10 करने पर बेटा नाइन बाई टेन, देखिए कुछ गड़बड़ है क्या, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, 0.5 नहीं आएगा, ये होता है 0.25, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, तो हम फिर से वैल्यूज लिख लेते हैं। 6.25 का रूट जब आप करोगे 6.25
0.25 का अंडर रूट जब आप निकालते हो 2.5 बटा कितना आता है 2.5 और यहाँ 4 का 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई 0.9 डिवाइड बाय 0.5 बटा इससे ये रिमूव करो 9 डिवाइड बाय 5 करने पर 1.8 यस 0.18 आपका जो है वो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ इसको करोगे तो ये आता है 5.0 यानी 5 0.9 डिवाइड बाई 5 तो ये हटाओगे यहाँ आ जाएगा 59/50 को आप जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आएगा बच्चों 9 डिवाइड बाई 50 0.18 बिल्कुल सही है 31 में आपका आंसर आएगा बी। ठीक है बच्चों और आगे बढ़ो 32 देखिए बच्चों 32 क्वेश्चन में बहुत आसान था, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन वाला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है बेटा। एक फॉर्मूला था आर आर इज इक्वल टू 1-6 समेशन डी आई स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बच्चों मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यूज मुझे गिवन है और मुझे जो निकालना है देखो 1-6 समेशन डी आई स्क्वायर बेटा आपको दे रखा है 30 और बेटा एन आपको बोला है 10 स्क्वायर माइनस 1 माइनस बेटा ये हो जाएगा 180 और ये आएगा 990 बेटा इसको सॉल्व करो ये आएगा 99-18 डिवाइड बाई 99। इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व कर लेंगे देखो 99-18 करने पर हमारा 81 आ रहा है 81 डिवाइड बाई 99 और ऐसा करने पर बेटा चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 81 डिवाइड बाई 99 बेटा सोचो 9/11 है क्या कोई ऑप्शन 9/11 कौन सा ऑप्शन है डी, क्योंकि पॉइंट्स में नहीं आ रहा इसलिए मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बता दिया। बेटा कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 32 देखो हमारे 32 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। 33 में क्या है इफ द टू रेग्रेशन लाइंस करस्पोंडिंग टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मीट एट ए पॉइंट, जहां पर वो मीट करती हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मीन वैल्यूज को डिफाइन करता है। ये आपके लिए एक्स बार वाई बार इस तरीके से गिवन है, वेरियंस गिवन है एक्स के लिए, वेरियंस गिवन है वाई के लिए और आर की वैल्यू आपको 1/2 दे रखी है। आपसे एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई पूछा है बच्चों, रेग्रेशन पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से बोला था जब वाई पूछे तो वाई ऑन एक्स की बात करनी है, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल रेग्रेशन इक्वेशन है बच्चों वो यही होगी y-y bar इज इक्वल टू आर न्यू वाई अपॉन न्यू एक्स एक्स माइनस एक्स बार। बच्चों याद है ये फॉर्मूला, सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट कीजिए y-y bar बेटा y बार कितना है 3, r कितना है बेटा 1/2, न्यू y कितना है बेटा ये देखो न्यू y रूट 1 ही होगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x माइनस एक्स बार एक्स 6 है और बेटा x बार कितना है 2। बेटा ध्यान से देखो कैसे 6 में से 2 गया कितना बचेगा 4 और नीचे भी कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा ओनली बचा y-3 इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा 3+1 4 आपका आंसर क्या आएगा बेटा सी ऑप्शन 4। बेटा 33 में कितना आया 4। बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल आपके नोट्स से डायरेक्ट रूप क्या है, अगर दो रेग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, दो रेग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ध्यान से देखो, दो रेग्रेशन लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनमें कोरिलेशन कॉफिशियंट कितना होता है बेटा 0 होता है। डायरेक्ट थ्योरी से ये क्वेश्चन आया है, आपका आंसर कितना हो जाएगा 0। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों 35 क्वेश्चन नंबर 35 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा। स्कैटर डायग्राम याद करो, स्कैटर डायग्राम मैंने कहा था द स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, केवल हम उसमें ग्राफिकली वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। 36 याद करो, 36 क्लासरूम में हुआ था, वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये जो होता है आपका स्लोप होता है और इस स्लोप को b को ही आप बी वाई एक्स बोलते हो, सो राइट ऑप्शन इज डी। चलो और आगे बढ़ते हैं बच्चों इससे 36 के बाद देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन, माइनस वन दुश्मनी का और प्लस वन दोस्ती का, गहरी दोस्ती का। तो आपका जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो इन दोनों के बीच में ही लाइज करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 3 इफ टू डाइस। तो बेटा आपको पूरा चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, 3 कब कब आता है, 1 2 और 2 1, केवल दो इंसिडेंट ऐसे हैं जहां पर टोटल सम जो है वो 3 आता है। तो फेवरेबल इवेंट कितने हैं, 2, टोटल कितने हैं 36, 2 बाई 36 को जब आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है 1/18। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट। 39 भी प्रोबेबिलिटी से है बेटा आपका। देखो टू अनबेस्ड कॉइन आर टोज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन। बेटा एटमोस्ट वन, ये ही देखने वाली बात थी। दो कॉइन को टोस करने पर टोटल इवेंट कौन कौन से होते हैं, ये 4 आपके टोटल इवेंट होते हैं। आपको बोला है एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम एक हेड आना चाहिए। बेटा एक हेड वाले ये दोनों तो आपको क्लियर विजिबल है, मैक्सिमम एक आना चाहिए, इसका मतलब 0 भी आ सकता है, ये भी उसी में इंक्लूड होगा। फेवरेबल इवेंट 3, टोटल इवेंट 4, 3/4, कौन सा ऑप्शन है, सी, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। 39 का बेटा सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 1/5, यानी ए के लिए जो हिटिंग करने के चांसेस हैं वो है 1/5, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग, नॉट हिटिंग को हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं, डैश से डिनोट करते हैं, वो आपको बोला है 3/4। बेटा दोनों के ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकाल लो, यहाँ से आपके पास पी डैश ए कितना आएगा बच्चों, पी डैश इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा 4/5, पी बी कितना हो जाएगा बच्चा 1/4, ये निकाल लिया। अब आगे बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, मतलब किसी ने किसी से टारगेट हो जाए, एटलीस्ट एक से टारगेट हिट हो जाए, इसके चांसेस 1-P-A.P-B। बच्चों याद करो ये ट्रिकी मैंने सब लिखवाए हैं आपको, पी डैश ए 4/5, पी डैश बी 3/4, 1-12/20, 12/20 या 3/5 बोल सकते हो, 3/5, 1-3/5 करोगे 2/5, 2/5 है कोई ऑप्शन, डी इज द राइट ऑप्शन। देख रहे हो बच्चों आसान है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40। बच्चों इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, 40 के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफर्ड पैक ऑफ कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हार्ट्स। बेटा हार्ट कितने होते हैं, 13। फेवरेबल इवेंट 13C2 डिवाइड बाय टोटल इवेंट 52C2। फेवरेबल इवेंट 13 में से दो लेने हैं, 13C2 चूज करना है, और 52 में से दो लेने हैं 15C2। बेटा इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे, याद करो जो मैंने आपको बताई थी, 13 × 12 2 × 1, 52 × 51 2 × 1, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये गया 4 times, ये गया 3 times, 1 times 17 times, 1/17। बेटा कौन सा ऑप्शन होगा, बी, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। बेटा 42 भी आसान क्वेश्चन है, 42 आपसे पूछा है पी ए बाई बी, याद करो बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये दे रखा है 1/4 और बेटा ये दे रखा है 1/3। बेटा सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, 3/4, 3 ऊपर चला जाएगा, कौन सा ऑप्शन है 42 में, बी इज द राइट ऑप्शन। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। बेटा इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बेटा याद करो, डायरेक्ट थियोरटिकल क्वेश्चन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। 43 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 बेटा डायरेक्ट नोट से आया हुआ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट इवेंट किसे बोलते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, पी एक्स डॉट पी वाई, ऐसे इवेंट्स को अपन कौन से बोलते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। देखो बेस थ्योरम में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में द चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम टू बॉक्सेस ए एंड बी आर 1/5 एंड 1/6 रेस्पेक्टिवली। अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड अ स्क्रू इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स, इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए, कि वो बॉक्स ए से आया है। तो बेस थ्योरम में बेटा आपको सिखाया है कि जिसके लिए निकालना है 1/5 डिवाइड बाय
वन बाई फाइव प्लस वन बाई सिक्स, मैंने बेस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया है, एलसीएम लूँगा 30 आएगा, 5 प्लस 6 आएगा, ये आएगा 5 वन बाई फाइव और 11 बाई 30 सिक्स, ये सिक्स ऊपर सिक्स बाई इलेवन, बेटा कौन सा ऑप्शन है, सी, सी इज़ द राइट ऑप्शन, बेटा बेस थ्योरम अप्लाई किए हैं यहाँ पे, तो 45 का आंसर क्या जाएगा, सी 46, बेटा इंडेक्स चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, बेटा लेस पेयर याद करो, लेस पेयर का फॉर्मूला P01L इज इक्वल टू सिग्मा P1Q0 डिवाइड बाई सिग्मा P0Q0 मल्टीप्लाई बाई 100, याद करो थियोरटिकल बताया था, बेस ईयर ने करंट ईयर बेस ईयर क्वांटिटी को एज ए वेट यूज किया था, अब देखो यहाँ पर ये काम का है और ये काम का है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया है, आप क्या करोगे सिंपल से 162.6 डिवाइड बाय 110.4 मल्टीप्लाई बाय 100 सॉल्व करने बेटा इसको, देखो क्या आ रहा है 162.600 डिवाइड बाय 110.4 और ये करने पर बेटा 147.28 आ रहा है, 147.28 यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ए इज द राइट ऑप्शन, 46 का आंसर क्या आएगा बच्चों, ए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, 47 देखो, 47 में बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये क्लासरूम में हमने किया था, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज निकालना है बेटा, तो कौन सी ईयर का निकालना है, 2004, बेटा निकालते कैसे, पांच पांच ईयर का सम करोगे, पहले पांच का सम करोगे वो 2003 के सामने आएगा, और इसके बाद नेक्स्ट जो 5 का करोगे, इन द सेंस अगर आप नेक्स्ट 5 फर्स्ट को छोड़ के करोगे तो इन पांचों का टोटल करना है और मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 5 होगा, तो इन पांचों का टोटल करो 4.3, फिर से 4.3, 3.4, 4.4 और बेटा 5.4, बेटा इन सब का टोटल करो एक बार, देखो 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, बेटा इन सब का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 21.8 और 21.8 डिवाइड बाय 5 करो तो बेटा आ रहा है 4.36, यानी राइट ऑप्शन क्या होगा, बी, 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, बी, 47 का राइट ऑप्शन है बी। अब आ जाओ बेटा 48 भी इंडेक्स वाले चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, 48 में बेटा आपको लेस पेयर और पाशेज इंडेक्स दिया हुआ है और फिशर पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फिशर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल इंटू पी, बेटा क्या करना है आपको, यहाँ दोनों की वैल्यूज जो गिवन है 120.69 इंटू 120.62, बेटा इस क्वेश्चन को भी मैं ट्रिकी कहूँगा, जैसे मान लो टाइम वेस्ट करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना था, दोनों 120 के नियर अबाउ है और जब दो चीजें सेम है और उनका रूट कर रहे हो तो वही चीज आनी है, तो कौन सा ऑप्शन नियर अबाउ है, डी, बिना सॉल्व करे आप आंसर जा सकते थे, डी इज द राइट ऑप्शन। 49 बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन, प्राइस रिलेटिव मैंने करवाया आप लोगों को, P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, आपको बोला है ये आपका करंट ईयर है, ये आपका बेस ईयर प्राइस है, 50 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, 5000 में 40 से डिवाइड करना है, जब बेटा ये सॉल्व करोगे तो 125, यानी सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन, बच्चों समझ में आ रहा है, सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा टाइम सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था जो चेंजेस ज्यादा लंबा टाइम लेते हैं यानी 5 से ज्यादा साल का जिनको टाइम पीरियड कंज्यूम होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म या फिर उनको सेकुलर ट्रेंड बोलते हैं, तो आपका आंसर आएगा बेटा ए, 50 में आपका आंसर आएगा ए। बच्चों ये आप लोगों का पूरा फाउंडेशन का पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड किया, आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर का लेवल ज़्यादा टफ नहीं है, क्यों नहीं है, अगर देखो एक सिंपल सी बात है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कुछ टफ नहीं होता और नहीं पढ़ने वाले के लिए सब कुछ टफ होता है, मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ट्रिकी हैं, आराम से इजीली यहाँ क्लासरूम कंटेंट से आपका बहुत सारा पेपर बन के आया है, तो आपको क्या करना है बस फोकस करना है और मैं
यही होप करूंगा कि आप सब सेलेक्टेड हों, आपकी अच्छे मार्क्स स्कोर करें और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। ये इसकी आंसर की भी हम लोग बना चुके हैं। अभी मैं जैसे मान लो सपोज करो, ये तो पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको ब्रीफली बताया, अगर कोई आंसर की भी मैच करना चाहे तो मैं आपको इसकी आंसर की भी यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।